द टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, डाक टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी। यूपी के जनपद महाराजगंज, जनपद महाराजगंज के नौकनवा तहसील क्षेत्र के पोथौनी कला के विपरिया टोले पर दिनांक 3 फरवरी 2021 को हुए सड़क दुर्घटना में 2 साल के मृत बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि 3 फरवरी को विपरिया टोले पर एक 2 साल का लड़का राधा रानी गैस एजेंसी की डिलीवरी टाटा मैजिक गाड़ी नंबर UP 5680122 की चपेट में आने से मौके पर ही मृत पाया गया था और ग्रामीणों की मदद से ड्राइवर को संपतिया पुलिस चौकी पर ले जाकर बैठाया गया, जिसमें कुछ ही देर बाद पुलिस द्वारा उस ड्राइवर को बगैर किसी कार्रवाई के ही छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि कल जब उपरोक्त के संदर्भ में कई मीडियाकर्मी अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी लेने नौतनवा SO छोटेलाल से मिलने गए तो पहले तो महोदय सबको नौतनवा की सैर कराए और फिर एक पेट्रोल पंप पर मिले भी तो परिजनों को बरगलाने और गैस एजेंसी मालिक को बचाने में लगे रहे और कहे कि उस गैस एजेंसी पर चलने वाली ऐसी गाड़ी का नंबर मुझे दीजिए एक शपथ पत्र में जिसका वाहन बीमा उपलब्ध हो। इसी से स्पष्ट होता है कि क्या कुछ कार्रवाई करने के मूड में है। स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि किसी दबाव या फिर किसी और वजह से एसओ नौतनवा उस गाड़ी और चालक के साथ साथ गैस एजेंसी पर कितने मेहरबान है। आपको बता दें कि उस मृत बच्चे की माँ सजिता की हालत बहुत नाजुक है, क्योंकि हर 2-3 घंटे बाद उसको बेहोशी आ जा रही है और फिर लोग पानी का छींटा मारकर उसे होश मिला रहे हैं। और अब तक जो भी कार्रवाई नौतनवा पुलिस ने की है वह सिर्फ गाड़ी चालक के साथ साथ गैस एजेंसी मालिक के बचाव में ही की है। ऐसे में लोगों को कैसे न्याय मिलेगा, कैसे लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर यकीन कर पाएंगे। जिले के आला अधिकारी के अपराध एवं अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान की धज्जियां एसओ नौतनवा उड़ा रहे हैं। डाक टाइम्स न्यूज के लिए सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। अब हम जब बेहोश हो गए तब कोई नहीं घरे रहा, क्यों उठा के ले जाए पता नहीं चला। आज लोग बता रहे हैं, गांव के लोग आप बार बार बेहोश हो जा रही हैं। हाँ, बार बार बेहोश हो जाते रही तब मामला हुआ है आपके यहाँ। मामला हमारा ये है, यहाँ राधा रानी गैस एजेंसी वाली जो है आई थी और उस बच्चे को जो है तेल लगा करके चार पाइप यहाँ लिटाया गया था। वो जो है आई जो है धक्का मार के उसे कुचला कर यहाँ से भाग के फरार हो गया। फरार हो गया जो है, हम तो बच्चों को लेकर के जो है वहाँ पहुँचे थाने चौकी पर। जी, चौकी पर जब पहुँचे तो वहाँ से उन्होंने रिफर कर दिया जो है बनकटी जाइए। बनकटी से जो हम लोग आए यहाँ पर फिर चौकी पर तो जो है वहाँ FIR दर्ज हुआ। FIR क्या, बच्चा तब तक एक्सपायर हो चुका था? यही एक्सपायर हो गया था। अच्छा, ऑन स्पॉट यही एक्सपायर हो गया था। अच्छा अच्छा, उसके बाद जो FIR हुआ आज तक जो है कोई यहाँ पर आया नहीं तफ्तीश करने, मतलब तफ्तीश करने के लिए कोई नहीं आया, कोई जो है यहाँ तक चौकीदार अभी तक नहीं आया है। चौकी इंचार्ज से आप लोग मिले तो क्या बोले? वो जो है बोले कभी कागज जो है FIR पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा वहाँ से तब हम लोग किया जाएगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कागज यहाँ गया वहाँ जाएगा वहाँ से यहाँ आएगा, अभी तक ही हम लोग से कह रहे हैं। मतलब इस कार्यवाही से अब संतुष्ट नहीं है? कोई हम लोग इंटरव्यू नहीं मिल रहा है। संतुष्टि डॉक टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।